गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय है और आप सभी लोगों का स्वागत है सिलेक्शन मेंटर साइट पे। हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर हमने बेसिकली अपना पॉइंट, जैसा कि आपको अंकुर सर ने भी बताया होगा, हमने हमारा फोकस एफसीआई के पेपर के ऊपर कम्प्लीटली किया हुआ है और हम उसी को डेडिकेटेड करते हुए पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अंकुर सर जो हैं वो आपको मैथ्स कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स नहीं होने की वजह से वो कम्प्लीट फोकस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से हमारे यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर और जीएस की क्लासेस भी स्टार्ट है, जिसमें से रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेस मैं लूँगा। मॉर्निंग में हम लोग रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में 7 से लेकर के 8 बजे तक मैं आपको रीजनिंग की क्लासेस में मिलूंगा और शाम को 9:30 बजे से मैं आपकी कंप्यूटर की क्लासेस लूंगा। देखिए, दोनों ही सब्जेक्ट ज़्यादा टिपिकल नहीं है यदि मैं बात करूं तो, लेकिन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरा एक बार आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय है, मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, मैं महिंद्रा इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर मैंने 3 साल पढ़ाया है और इस समय मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर काम करता हूँ। तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम बेसिकली अपना जो पॉइंट रखेंगे वो है एफसीआई मेंस के लिए। आपको मैं बता दूं कि एफसीआई मेंस का जो पेपर होने वाला है वो पेपर हमारे सामने 27 जुलाई को है, 27 जुलाई को। तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अपने क्वेश्चन और पेपर को कवर करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग हमारे पास 30 मार्क्स की आने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, और इतनी टिपिकल रीजनिंग नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, एक छोटा सा चेंज जरूर है, और वो छोटा चेंज है हमारे पास में कि इस बार का जो पेपर है वो IBPS कंडक्ट करवा रहा है। और अगर IBPS पेपर कंडक्ट करा रहा है तो आपको कुछ हद तक आइडिया होगा कि IBPS कौन से पेपर कंडक्ट करवाता है। IBPS बैंक के पेपर कंडक्ट करवाता है, तो यहाँ पे रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है। तो आज के सिलेबस में हम यही चीज देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं, क्योंकि FCI ने कहीं पे भी क्लियरली ये मेंशन नहीं किया है कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है रीजनिंग का। ठीक है, जो कि डाउटफुल भी रहता है। तो हम आज यही सब चीजें देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आप सभी लोगों का स्वागत है सिलेक्शन मेंटोर पे फिर से एक बार। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के सिलेबस की, तो हमारे पास में रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, यदि मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में, यदि मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो बेसिकली रीजनिंग के अंदर 4 सेक्शंस हैं हमारे पास में। यदि मैं सिलेबस को डिवाइड करना चाहूं तो डिवाइड सिलेबस को मैं 4 सेक्शन में करता हूं। और वो सेक्शन है कौन से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सेक्शन होता है हमारे पास में वर्बल सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हमारे पास में, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ज्यादातर वो टॉपिक कवर होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं और वो FCI के अंदर आने भी वाले हैं। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास में होगा, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। आप सबको पता होगा अल्फाबेट सीरीज के बारे में। ठीक है, ये अल्फाबेट सीरीज के साथ साथ इसमें क्या भी आता है, इसमें अल्फाबेट सीरीज के साथ साथ नंबर सीरीज भी आता है। नंबर सीरीज भी इसमें कवर होता है। आपने देखा होगा कई बार नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, कई बार अल्फाबेट सीरीज के हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं। तो ये वर्बल का हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, 1 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि हमारे डिस्प्ले पे इतना स्पेस नहीं होता कि हम सब कवर करें, जैसे कि बोर्ड पे नहीं होता। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे मेंशन करते जा रहे हैं तो उसे अपने सिलेबस में मेंशन करते जाइए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको मेंशन पहले करवा दूंगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल सीरीज के बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है ब्लड रिलेशन। आपको पता होगा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन भी ये मान के चलिए 1 मार्क्स कम से कम, ज्यादा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 मार्क्स की अगर यहाँ रीजनिंग हमारे पास में होने वाली है तो 30 मार्क्स में डिवाइड करने के लिए उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे, तो ब्लड रिलेशन बढ़ सकता है। ठीक है, थर्ड यदि मैं बात करता हूँ डायरेक्शन डिस्टेंस की, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के टॉपिक में भी सेम यही क्राइटेरिया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
अब वर्बल के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, तो देखिए वर्बल का अगर मैं सेक्शन नेक्स्ट बताऊं आपको, तो देखिए थोड़ा सा इसको भी हमें लाइट नहीं लेना है, क्योंकि आईबीपीएस पेपर कंडक्ट करवा रहा है, और अगर आईबीपीएस पेपर कंडक्ट करवा रहा है तो वो जनरली फोकस किस पे रखता है, इन पे रखता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी एफसीआई के देखोगे तो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, जबकि पेपर उन्होंने कंडक्ट नहीं कराया था उसके बावजूद। और अगर अब वो करा रहा है तो इसका लेवल थोड़ा अच्छा होने वाला है, और इसके आपको 5 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें जब भी पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को, ठीक है? वैसे मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा इसका किस तरीके से करना है, ठीक है? ये कुछ बेसिक्स हमारे पास में है किसके, वर्बल के लिए, जो हमारे पास में पूछे जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा सिलॉक्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें सिलॉक्स रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं। सिलॉक्स, जिसको हम सिलॉजिज्म कहते हैं, शॉर्ट में हम उसको सिलॉक्स बोल देते हैं, ठीक है? तो सिलॉक्स के आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, वो आपको करने ही करने हैं। मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, बट वो देखने को मिलेंगे। और सिलॉक्स के साथ ध्यान रखिए, एसएससी का यदि आपने कभी पैटर्न देखा हो तो सिलॉक्स के साथ साथ हमेशा एक वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, देखा है आपने? देखा होगा, मैं बताता हूँ आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वेन डायग्राम में जैसे बोला जाता है कि 3 आपको कोई भी चीज दे दी, जैसे सपोज फुटबॉल दे दी, क्रिकेट दे दिया, और क्या दे दिया, स्पोर्ट दे दिया। अब उनका आपस में रिलेशन पूछता है कि भैया फुटबॉल, क्रिकेट और स्पोर्ट का आपस में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं ना ये चीज कि फुटबॉल और क्रिकेट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, तो वो आते किसके अंदर है, यस स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं। तो मैं आपको टॉप पे यहाँ दिखा देता हूँ कि यदि मैं बोलता हूँ ये सर्किल अगर हमारे पास में स्पोर्ट्स को शो कर रहा है, तो क्रिकेट भी क्या है और फुटबॉल भी क्या है, यस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम के अंदर। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो मैं आपको 1 मिनट देता हूं, प्लीज इसको उतार लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। और मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप कंटिन्यूअसली इन 15 दिनों में हमारे साथ जुड़े रहेंगे कंटिन्यूअसली, और ये प्रॉमिस मैं, अंकुर सर और हमारे विराज सर जो आपको आज पढ़ाया होगा, ये प्रॉमिस करते हैं आपसे कि इस बार का पेपर आप 101% क्रैक करेंगे यदि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है? चलिए, आई थिंक आपने उतार लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ तो मेरा नेक्स्ट सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने वर्बल सेक्शन की बात करी थी, अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे नॉन वर्बल सेक्शन की। नॉन वर्बल सेक्शन जनरली बैंकिंग एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता, ये जनरली कहाँ पूछा जाता है, आपको रेलवे, एसएससी में देखने को मिल सकता है, लेकिन एफसीआई का पेपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है इन्हीं की तरह, तो एफसीआई में भी आपको ये चीज देखने को 101% मिल सकती है, ठीक है? 100% भी नहीं कि तो 99% आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं नॉन वर्बल सेक्शन के अंदर, तो बहुत ही बेसिक बेसिक टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले मैं आपको वही बताने वाला हूँ जिनसे हम डरते भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लॉक, सुना है नाम, सुना है हाँ, बट हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है? क्लॉक एंड कैलेंडर, कैलेंडर और क्लॉक के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पेपर में आएंगे ही आएंगे, और 2 नंबर के कम से कम आएंगे। आपको ये टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, मैं हूं, मैं करवाऊंगा डेफिनेटली, इन्हीं पे हम फर्स्ट फोकस करेंगे जब भी हम नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डाइसन क्यूब्स, ये क्वेश्चन भी आते हैं, डाइस एंड क्यूब, डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे 1 और 2 मार्क्स के। तो प्लीज ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे आपको पूरा फोकस करना है। इसके अलावा आपको पता ही है एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉगी ज्यादा बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, जनरली आपका जीएस जैसा सेक्शन होता है, यदि आपकी जीएस पे थोड़ी बहुत भी कमांड है तो उसके अंदर आपको बस रिलेशन बताना होता है कि ये पर्टिकुलर अगर इससे इस तरीके से रिलेट करता है तो ये दूसरा इससे किस तरीके से रिलेट करेगा, ये आता है किसके अंदर, एनालॉगी के अंदर। इसमें नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना एनालॉगी वर्ड फॉर्म में भी हो सकती है और एनालॉगी नंबर फॉर्म में भी हो सकती है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे और नहीं देखे तो हम देखेंगे पेपर के अंदर, ठीक है? एनालॉगी हो गया, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, देखो जैसे इमेज, पेपर कटिंग,
ठीक है। और अगर हम बात करें तो वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक में आते हैं, कुछ ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं होते ये। बड़े टॉपिक हमारे पास में यही हैं, डाइसन क्यूब्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे भी एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ से नीचे से आ सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास अगर हम नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में भी लाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा सुंदर अच्छा दिखाई दे। हो सकता है मेरी राइटिंग आपको पसंद ना आ रही हो, पर हाँ अभी बेसिक के लिए हमें एक बार सिलेबस बताना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिक कंफ्यूजन जो चल रहा है बच्चों में वो सिलेबस का ही चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपने ये उतार लिया होगा, तो हम नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अब अपने अगले सेक्शन पे आता हूँ, तो अगला सेक्शन मेरे पास में है किसका, लॉजिकल का। लॉजिकल से पहले मैं थोड़ा आपको और बताना चाहूंगा, एक आध दो और टॉपिक्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनपुट आउटपुट की, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आ भी सकता है और नहीं भी, इसके कोई गारंटेड चांस नहीं है कि आएगा, लेकिन हम इसकी बेसिक आइडिया हम इसका एक बार लेंगे जरूर कि इनपुट आउटपुट टॉपिक है क्या, क्योंकि हमें पता है पेपर आईबीपीएस करा रहा है, तो आईबीपीएस करा रहा है तो वो इनपुट आउटपुट पे एक बार छोटा फॉर्म में फोकस जरूर कर सकता है, एक या दो नंबर के लिए, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इसका नहीं होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में आता है लॉजिकल सेक्शन में। लॉजिकल सेक्शन एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगेन मैं आपको बता दूं, इसके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन हमारे लिए सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस तीन सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला ये सेक्शन है हमारे पास में अजम्पशन, अनुमान, धारणा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये एक टॉपिक है जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट है लॉजिकल सेक्शन के अंदर। एक नंबर का क्वेश्चन इससे, या अगर सारे क्वेश्चन इसके हुए तो दो नंबर मैक्सिमम इससे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा यदि मैं बात करूं तो सेकंड सेक्शन मेरे पास में है आर्गुमेंट, तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये वाला टॉपिक भी मुझे देखने को 100% मिल सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है। और थर्ड और अगेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मैं डिफरेंस बताऊंगा इनका आपको कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही सिमिलर है, पता है आपको, ये तीनों ही चीजें जो है बहुत सिमिलर है एक दूसरे से, लेकिन इनके बीच में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो हमें देखना होगा। अगर वो समझ में आ गया तो हमें ये तीनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, इसका भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए हमने काफी हद तक हमारा सिलेबस देख लिया, हमने क्या क्या देखा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था वर्बल सेक्शन, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ या नए पेज पे हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, वर्बल सेक्शन देखा था, ठीक है। वर्बल सेक्शन देखने के बाद हमने सेकंड क्या देखा था, नॉन वर्बल सेक्शन देखा था। नॉन वर्बल सेक्शन देखने के बाद हमने क्या देखा है, लॉजिकल देखा है। ये तीन सेक्शन हमारे हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। और अगर मैं अब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात बताऊं, तो देखिए हर सेक्शन में इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है पजल एंड सिटिंग, ठीक है, और होने वाला है सिलॉक्स, और होने वाला है ब्लड रिलेशन प्लस डायरेक्शन डिस्टेंस। ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वर्बल सेक्शन में। मैं नॉन वर्बल सेक्शन की बात करूं तो नॉन वर्बल सेक्शन में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होने वाला है, क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब, और एक यदि मैं बात करूं तो एनालॉजी के क्वेश्चन, ठीक है। और लॉजिकल में बात करें तो तीनों सेक्शन आपको लिखवाई दिए हैं मैंने, अजम्पशन, आर्गुमेंट और कंक्लूजन। तो ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा।
तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कल से जो हमारी क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट होने वाली हैं उन पे फोकस 101% आपको करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, हम कल इसी टाइम पे, कल मॉर्निंग 7 o'clock, हम मॉर्निंग शार्प 7 o'clock हम मिलेंगे वापस से। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सिलेक्शन मेंटोर, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।